वगैरे किडे चाललेत ते. रोज रुई घालून झोपवावं लागतं मुलांना. जेवणामध्ये बसलं की ताटामध्ये वगैरे चाललात किडे वगैरे, तसं त्रास व्हायला लागतो. अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम झाली? वही सेम जेवणाच्या याच्यामध्ये, जेवण जे बनवलंय त्याच्यामध्ये सुद्धा किडे येत आहे. आणि पाऊस असला तर कमी, पण पाऊस उघडला ना तर तेव्हापासून जास्ती यायला लागलेत किडे. बोलिये, माझी क्या तकलीफ हो रही है? ताटामध्ये किडे सगळ्यांचं. आम्ही तर धान्य भरलं, पूर्ण 5 क्विंटल धान्य आमचं फेकायच्या कामात पडलंय. त्यांना आम्ही धान्य पण दाखवू शकतो, धान्याचा फोटो पण टाकलेला आहे आम्ही त्यांना. आम्हाला खूपच त्रास येते. आम्ही धर्मामंडळाच्या समोर आमची बिल्डिंग इथे राहतो आम्ही, तर आम्हाला ह्या लाल किड्यांचा फार त्रास आहे, सोनकिड्यांचा. ते धान्य ते जेवणात येत आम्हाला खूप भीती वाटते. लहान मुलांच्या कानातही जातात ते. रात्रीच्या वेळेस आम्ही त्यांच्या कानात कापूस टाकून झोपवतोय. सध्या तरी हा त्रास खूप आहे. त्यांना कंप्लेंटही केली आम्ही, पण अजून तरी ते काही सॉर्ट आउट झालं नाही प्रॉब्लेम. आम्ही इथं वखार महामंडळाच्या समोर आदिनाथ सुवास्तू बिल्डिंगमध्ये राहतो. तर बाकीच्या लेडीजनी जसं सांगितलं, सेम सगळ्या बिल्डिंगमध्ये तेच किडे आहेत. आणि त्याचा सगळ्यात जास्त त्रास लहान मुलांना होतो. मोठे तरी केअर करू शकतात, पण लहान मुलं करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळं लवकरात लवकर वेअरहाऊसवाल्यांनी याची काळजी घ्यावी अशी विनंती आहे त्यांना. अगर समझो आपने बार बार कंप्लेन दिए और प्रशासन फिर भी नहीं जागा आपके ऊपर, आपकी बात को उन्होंने नहीं सुना, तो आप क्या करेंगे आगे चल के? एक्शन लेने वाले आप सब महिला मिलके? आम्ही आंदोलन करू, म्हणजे त्यांना त्यांच्यापर्यंत ही बातमी आम्ही पोहोचवू की आम्हाला याचा किती त्रास होत आहे. आम्ही अन्नधान्य आता जसं यांनी सांगितलं, यांचे 5 क्विंटल गहू यांनी गावाकडे नेऊन ठेवलेत. मग तसं प्रत्येकाला कसं शक्य आहे? आम्ही वर्षभराची साठवणूक जो तो इथे राहणार आम्ही करतो, मग ते कसं शक्य आहे? त्याच्यावर त्यांनी काहीतरी ऍक्शन घेतली पाहिजे. 2 किलोच्या वर आम्ही धान्य घरात भरू शकत नाही. आणि सगळ्या ह्याच्यामध्ये धान्यामध्ये काय प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वस्तूमध्ये ते जाऊन बसले किडे जे आहेत. बोलते आणि किती खोटं बोलते हे समजण्यासाठी प्रत्यक्ष येऊन जर तुम्ही पाहिलं आणि संध्याकाळी शूटिंग जर करून घेतली तर तुम्हाला प्रमाण कळलं ह्याचं की किती कमी आहे, जास्त आहे. आणि त्याचा काय त्रास होतो ते पण दरवाजे पॅक केले, खिडक्या दार बंद केले, तरी किडे औषध मारूनही ते किड्यांचं काही डॅमेज झालेलं नाही, पडत नाही. यहाँ पे क्या है, हम लोग जो रह रहे हैं अभी उसके एग्जैक्टली सामने है, यहाँ पे वखार महामंडल बोल के है, गवर्नमेंट का वेयर हाउस है. वहाँ से जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं उसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है. लिटरली रात के खाने में भी अगर बैठे ना तो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहे हो. उनका क्वान्टिटी लिटरली हम लोग अगर ऐसा झाड़ू मारेंगे ना तो इतना इतना क्वान्टिटी निकल रहा है एक रूम में. इतना तकलीफ हो रहा है. हम लोगों ने 2-3 बार उनको एप्लीकेशन भी दिया इसके बारे में कि सर आप कुछ करवाई करके. उन्होंने उनका स्प्रे वगैरह किया लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ हमें कुछ खास. महानगर पालिका के जोन में आपने कंप्लेन की क्या? जी किया है. तो उनका क्या बोलना है, कोई रिप्लाई है कुछ, किसके ऊपर आई कार्रवाई? अभी तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने दिया है, अभी देखेंगे एक बार. रिसेंटली बोले तो कल दिया आपने? हाँ, 2 दिन हुए हमें. देखते इनको, लेकिन जहाँ वखार महामंडल उनको हम लोगों ने खुद जाके दिए है. हमारे पूरे सोसाइटी के जो मेम्बर्स है उन्होंने जाके दिया है. देखते अभी क्या होता है. रोल, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी खान है. मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, बिड़वा पास MIT कॉलेज के पास. यहाँ पे गवर्नमेंट का वेयर हाउस बन के 5 से 6 साल हो गए, मगर जब से ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस बना है तब से यहाँ पे नेक्या बारीक कीड़ों का बहुत बड़ा मतलब कंटिन्यू चालू ही है. इससे नेक्या बहुत तकलीफ हो रही है. ये कीड़े काटते भी हैं और उड़ के काफ़ी दूर तक आ रहे हैं. जैसे कि गवर्नमेंट वेयर हाउस यहाँ से नेक्या 200 फीट दूर है यहाँ से, फिर भी ये उड़ के यहाँ तक आ जाते हैं. और मैं रहने के लिए यहाँ पे हूँ. मेरे बच्चे हैं, उनके कान में आँख में जाके इतने परेशान करते हैं. मैं उनको कान में रुई डाल के सुलाता हूँ और एक को तो गोभी भी ना पिला के सुलाता हूँ, मगर ये फिर भी इनका कम होने का नाम ख़त्म नहीं हो रहा है. मैं जाके वहाँ पे गवर्नमेंट वेयर हाउस में कंप्लेंट भी किया और अपने कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट में वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ये कंटिन्यू चालू है और ये शाम होने के बाद ऐसे आ जाते हैं. अपने दरवाजे खिड़की बंद होने के बाद भी इनका अंदर आने का सिलसिला चालू ही रहता है. इसका मैं किसी किस्म का इलाज नहीं कर सकता हूँ. इनके अलाउड से नहीं मरते हैं ना किसी किस्म की अगरबत्ती से नहीं मरते, ये कंटिन्यू चालू ही रहते हैं. इसके किसी किस्म का उपाय नहीं कर सकते. ये गवर्नमेंट इसका जल्दी से जल्दी कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए. इससे बहुत तकलीफ हो रही है. इससे कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. किसी कान में गए तो कान के पर्दे भी पड़ सकते हैं, आँख
खर्च की रोशनी भी जा सकती है। गवर्नमेंट को इस तरह जल्द से जल्द देखना चाहिए। रोल माजिद बात कर रहा हूँ सर, मैं बारीक कीड़े को ज़्यादा सुना रहा हूँ, कस्टमर को दिक्कत हो रही थी उसमें भी नहीं आ रही, जाके बताया हमने, गोडाउन में जाके बोले आप, गोडाउन में भी जाके बोले कोई आया नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा सर हमारे, ये बारीक कीड़े बहुत सता रहे हैं सर। ये जो कीड़े हैं बारीक बारीक जो शाम के टाइम में या दोपहर में बहुत तकलीफ हो रही है उससे, और ये सारे दुकानदारों को इससे परेशानी हो रही, जूस में या कस्टमर आता है उसको बैठने में तकलीफ हो रही, कस्टमर रिटर्न चले जा रहे, आँखों में कीड़े जा रहे, खाते टाइम जा रहे, तो इससे बहुत तकलीफ हो रही। वहाँ पे कंप्लेन भी करे लेकिन कोई कंप्लेन सुनने को तो तैयार नहीं है महानगर पालिका। मैं से आम शेवा शॉप है दररोज इतने संध्याका पास नर बारीक बारीक किड़ा प्रादुर्भाव खूब वाड़ा है, जे आम कस्टमर ये त्रास होतो संध्याकाळी, त्यामुळे आमचे कस्टमर कमी होता है, आणि इथे समोरून रस्ता भी आपला चालू आहे बीड बायपास, त्याच्यावरती पण लोकांना जाण्यायेण्यामध्ये डोळ्यासमोर त्या डोळ्यामध्ये जाऊ लागले, ॲक्सिडेंट होता है, ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढू लागलं किड्यांमुळे, आणि मच्छरचं प्रमाण वाढल्यामुळे कस्टमर भी आमचे कमी होऊ लागले, तर त्याचं आम्ही तक्रार केली पण त्याच्यावरती कोणी काही ॲक्शन घेत नाही, त्याचा खूप आम्हाला त्रास होतो। मच्छर आहे की कीडे? मच्छर भी है और छोटेसे कीडे भी है, जो बारीक बारीक छिलते बोलते आपण उसको, ऐसे कीडे भी निकल रहे, तो वो उसके वजह से हमें तकलीफ बहुत हो रही है, तो उसके ऊपर कुछ हमें सोल्यूशन निकालने को होना जल्दी से। रोल ये MIT कॉलेज भिड़वाए पास का एरिया है, यहाँ पे बहुत से कीड़े हो चुके हैं, सुसलिया बहुत सता रही है, परेशान कर रही है बहुत दिनों से, और यहाँ पे कोई महानगर पालिका वगैरह कोई अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे।